चलिए फ्रेंड्स, दिस इज इरफान शेख फ्रॉम एसएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज इन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेक्चर नंबर थ्री। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम, यानी हम बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है अभी हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेक्शन 28। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 28, तो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 29। तो हमारा बेसिक टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम बिजनेस इनकम की ओर जाए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको याद होगा, वैसे याद होना जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक की जो बुनियाद है, बेस है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे होता है टू और यहां से होता है बाय। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जी क्या करते हैं, उस वक्त हम ये कहते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहां से कहते हैं क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। यानी दूसरे अल्फाज में हमें ये पता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर? सो डेबिट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे मैं लिखूंगा डेबिट टू सैलरी, टू ट्यूशन फी, टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, टू ऑडिट फी। चार ही आइटम मैं डालता हूं। क्रेडिट में भी बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बाय से सपोज ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो यहां पे मैंने लिखा बाय हाउस प्रॉपर्टी, रेंट हमने वहां से खरीदा। तो इस तरह से हमारा ये कुछ आइटम्स मैंने लिए, हालांकि बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। समझाने के लिए मैंने यहां से कुछ आइटम्स लिए और यहां से कुछ आइटम्स लिए। अब मैं खुद ही फिगर्स डालता हूं। सैलरी से सपोज इट इज 1000, ट्यूशन फी जो मैंने यहां वो भी 1000 है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगेन 1000, सो ऑडिट फीस अगेन 1000। अब आप कहोगे सर 1000 कैसे सब आएंगे, ये तो इसलिए है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मैंने सीधे ही लिखा 5000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगेन 1000, हाउस प्रॉपर्टी रेंट भी है 1000। तो यहां से हमारा साइड आ रहा है 7000 रुपीज, तो ये भी आ गया 7000 रुपीज, राइट। तो यहां से हमें निकलेगा टू नेट प्रॉफिट, ये बात नोट कीजिए। सो नेट प्रॉफिट 4000 कट जाएंगे तो 3000 रुपया, सो दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर हमें तो पढ़ना है बिजनेस इनकम, आप पढ़ाने बैठे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वापस समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद इसमें क्या खराबियां हैं उनको ढूंढना है, उसके बाद हमें निकलेगी बिजनेस इनकम। अब यहां से देखिए, ये जो हमने बनाया है दिस इज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अकाउंटेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स करेक्ट, यानी इसमें अकाउंटिंग लोगों के लिए कोई खराबी नहीं है। क्यों? वहां लिखा है डेबिट साइड से ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको डेबिट में डालो,
इसी तरह जो क्रेडिट है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, उसे क्रेडिट में डालो। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, जहां के भी हैं लेकिन एक्सपेंसेस हैं। ये सारे इनकम्स हैं, जिस किसी कैटेगरी के भी इनकम है लेकिन इनकम तो है। तो यहां से हमें नेट प्रॉफिट आ गया 3,000 रुपया। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ सकता है, सर नेट प्रॉफिट जब दिया है तो बिजनेस इनकम तो यही है, अब हमें क्या बिजनेस इनकम निकालनी है? क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं नॉर्मली हमारे दिमाग में ये होता है कि हम अपने बिजनेस की जो प्रॉफिट है उसकी जो इनकम है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर 3,000 रुपया दिया है तो ये तो बिजनेस इनकम आ गई, तो अब हमें बिजनेस इनकम पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आप लोग याद रखिए, जब भी हम बिजनेस इनकम पढ़ने की कोशिश करेंगे या पढ़ेंगे, नॉर्मली आपको एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया होगा। अब उसमें दो शक्लें होंगी, या तो वो विद एडजस्टमेंट होगा या विदाउट एडजस्टमेंट। अभी जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, छोटा सा बनाया समझाने के लिए, ये तो विदाउट एडजस्टमेंट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है वो अकाउंटिकली करेक्ट है। अब हमें इन्हीं बातों को फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, भाई टैक्स वाले इस बारे में क्या कहते हैं, क्या टैक्स वाले इसको सही मानेंगे या इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। अगर आपको याद होगा हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, चाहे हमने सैलरी पढ़ा, चाहे हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, चाहे हम बिजनेस प्रोफेशन पढ़ रहे हैं या आगे कैपिटल गेन और अदर सोर्स पढ़ना है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर एक इनकम को पहले आइडेंटिफाई करें कि ये किस हेड में फिट होता है। अब जब इस पे नजर डालते हैं तो इसमें कुछ इनकम्स और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बिजनेस के रिलेट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर पहला आइटम है सैलरी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए मुलाजिमों को सैलरी देनी है तो ये तो सही है। अब ये जो रहा ट्यूशन फी, ये तो पर्सनल खर्चा है, ट्यूशन फी इसको मैंने यहां पे क्रॉस डाला और गोल किस तरह किया, ट्यूशन फी ये खर्चा है बट पर्सनल खर्चा है, ये पर्सनल खर्चा इसने बिजनेस को दिखाया है, फिलहाल इसको काटते हैं। उसके बाद है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसने घर में कुछ और खर्चा किया होगा, वो तो नहीं लिखा है किसके लिए खर्चा किया है लेकिन दिखाया है बिजनेस को, इसका माना ये हो गया ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। देन वी हैव ऑडिट फी, ऑडिट फी ये तो हो सकता है क्योंकि आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है और लीगल रिक्वायरमेंट है और इस पे जो भी खर्चा है वो तो बिजनेस का खर्चा ही मानते हैं। अब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो यही बताता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वही कुछ हमने भेजा होगा सेल के बाद जो आपको ट्रेड अकाउंट में आगे निकलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखिए भाई सिक्योरिटीज ये तो बिजनेस इनकम है नहीं, आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, डिबेंचर खरीदा होगा या कुछ और खरीदा आपने होगा, उसकी बुनियाद पे आपने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट आपकी इनकम है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसका माना ये हो गया इसमें भी हम गोल डालेंगे क्योंकि ये इनकम है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है। अगला इनकम है हाउस प्रॉपर्टी रेंट, आपके पास मकान है आपने उसको किराया पे दे दिया, वहां पे किराया कमाया, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में, वहां हमने इस 1,000 को लिया होगा या लेना है, ये इस वाले टॉपिक का आइटम ही नहीं है, इसका माना ये हो गया ये भी फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सही नहीं है। तो मालूम हुआ यहाँ पे दो आइटम्स ऐसे हैं जो बिजनेस के खर्चे के रिलेट नहीं है, यहाँ पे दो आइटम्स ऐसे हैं जो इनकम बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। अब दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है। अब माना क्या हो गया, अकाउंटिंग वाले कहते थे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए उसने सारा ले लिया, और वो कहते क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सारे इनकम और गेन जो है आगे लिखा है। अब टैक्स वालों ने कहा देखो भाई इसमें चेंजेस लानी है, ये दो खर्चे निकालो और ये दो इनकम निकालो। अब जब हम ये दो खर्चे निकालेंगे और ये दो इनकम निकालेंगे उसका ये माना हो गया नेट प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट तो चेंज होने के इम्कान हैं, हाँ एक्सीडेंटली कभी तो वापस ही निकल सकता है लेकिन नॉर्मली वैसा होता नहीं है। अब ये जो चेंज आएगा, यानी यहां पे जो चेंज आएगी वही हमारा बनेगा बिजनेस इनकम। इसका क्या माना हो गया, अब हम टैक्स वालों से पूछेंगे भाई आपका डेबिट का माना फिर क्या है और आपके क्रेडिट का माना
क्या है। अकाउंटिंग ने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, अब टैक्स वाले क्या कहते हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से लिखता हूं जो भी मैंने कुछ समझा है, ये कहते हैं डेबिट ऑल रेलिवेंट, डेबिट ऑल रेलिवेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी रेलिवेंट है वही ले लो डेबिट। तो रेलिवेंट हमें निकला सैलरी, रेलिवेंट हमें निकला ऑडिट फी, यानी रेलिवेंट वाले लिखना है। इसी तरह क्रेडिट में क्रेडिट ऑल रेलिवेंट, क्रेडिट ऑल रेलिवेंट इनकम्स एंड गेन्स, जो भी आपके क्रेडिट रेलिवेंट है उन्हीं को लेना है। यानी यहां पे जो आइटम्स बिजनेस रेलिवेंट है उनको लेना है, यहां आइटम जो बिजनेस के रेलिवेंट है उनको लेना है। इसका ये माना हो गया सैलरी इज अ रेलिवेंट आइटम, इसको लेना है, ये सही है। ऑडिट फी इज अ रेलिवेंट आइटम, ये भी सही है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ रेलिवेंट आइटम, असल में ये दो आइटम्स और ये एक आइटम लेना था, उसके बाद जो निकलेगा वही आंसर था। तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप होती है बाय बिजनेस इनकम, अब हम किसको कहेंगे बिजनेस, बिजनेस इनकम वो आ गया इनकम, हम किसको कहेंगे या बिजनेस इनकम किसको हम कहेंगे, हम कहेंगे बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। यानी बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंसेस में जो डिफरेंस है वही आपकी बिजनेस इनकम बनती है, ठीक। तो ये बिजनेस इनकम है, ये दो बिजनेस इनकम नहीं है, ये बिजनेस खर्चा है और ये भी बिजनेस खर्चा है, बीच वाले दो बिजनेस खर्चे नहीं है। अब सवाल ये है, तो हमें अभी तक यही समझ आ गया कि हमें जी प्रॉफिट एंड लॉस को ओवरहॉल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को रीएडजस्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें दिया है वो सही है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग वालों के लिए तो ठीक है उन्होंने कैसे किया है, लेकिन टैक्स वाले क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में वही खर्चा लेते हैं जो बिजनेस का खर्चा है, बाकी को छोड़ना है। इनकम में वही इनकम लेते हैं जो बिजनेस की इनकम है, बाकी को छोड़ते हैं। उसके बाद इनकम और एक्सपेंसेस में जो डिफरेंस है वही बिजनेस इनकम है। तो हम अभी तक ये समझ में आ गया, अब ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ये बिजनेस इनकम नहीं है, बात को नोट कीजिए, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिजनेस इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेबिट में दो आइटम्स गड़बड़ है और क्रेडिट में भी यहां दो आइटम्स गड़बड़ है। अब हमें देखना है कि हमें अब इसको आंसर कैसे बनाना है। सर अब बताइए कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यानी अब हम बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे। अभी तक ये समझ आ गया, तो हमने शॉर्ट में क्या किया, चलिए अब हम कोशिश करेंगे बिजनेस इनकम निकालने की। क्वेश्चन हमारे आगे हैं, तो जब भी हम शुरू करेंगे हमारा एक मेथड है नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं। सो वील स्टार्ट फ्रॉम आवर नेट प्रॉफिट। सो दो मेथड्स हैं, मैं दोनों आपको दिखाता हूं, आप में जो आसान लगे वही आप कीजिएगा। हाँ तो यहां पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जब अब इसको सॉल्व करना है तो हमें शुरू करना है नेट प्रॉफिट से। यानी नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू होगा, डेबिट साइड में जो भी इरेलीवेंट है वो ऐड होगा, यानी डेबिट वाला जो भी गड़बड़ आइटम है एज पर दिस हेड वो ऐड होगा, और क्रेडिट साइड से जो भी गड़बड़ होगा उसको लेस करना है। सो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3000, लिया हमने 3000। अब मैंने लिखा एड इरेलीवेंट एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये मैं लिखता हूं इरेलीवेंट, लेकिन किताब में लिखा होगा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जब आप बुक खोलोगे वहां लिखा होगा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब आपको समझाने के लिए मैंने इरेलीवेंट वर्ड यूज किया है, यानी जो इस हेड के रिलेटेड नहीं है। वन इज ट्यूशन फी एंड देयर इज हाउस होल्ड एक्सपेंस दैट इज 1000, तो 3000 और 2000 हो गए 5000, ये हमारा 5000 रुपया जो खर्चा आ रहा है एज पर, सॉरी 2000 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 3 और 2 हो गए 5। नाउ लेस इरेलीवेंट इनकम्स एंड गेन्स, अब वो इनकम्स एंड गेन्स जो इरेलीवेंट है,
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने चेंज किया 500 500 इसलिए क्योंकि ये एक्सीडेंटली इस क्वेश्चन में एक्सीडेंटली ये नेट प्रॉफिट भी वही निकला जो बिजनेस इनकम भी निकला। मैंने पहले ही कहा है कि कभी एक्सेप्शनली एक्सीडेंटली निकल सकता है लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 500 500 क्योंकि ये वापस 700 आ गया और नेट प्रॉफिट सेम रहा। ठीक, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम नहीं है इस हेड की, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी इस हेड की इनकम नहीं है, तो 1000 रुपये इनकम गड़बड़ है। तो ऊपर 5000 है नीचे 1000 है, 5 में 6 काट वहां गए 4000 रुपीज, वो उस 4000 का नाम अब पड़ेगा बिजनेस इनकम। ये जो 3000 रुपया था ये था नेट प्रॉफिट, इसमें रेलिवेंट आइटम भी थे इरेलीवेंट भी थे। अब इस 3000 में यहां से हमने 2 आइटम्स को वापस एड किया और यहां से 2 आइटम्स को वापस लेस किया, यहां का ऐड और यहां का लेस, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट से शुरू आगे ये होता रहेगा। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी अभी मैंने क्वेश्चन को शुरू किया है नेट प्रॉफिट से, फिर मैंने ऐड किया है इरेलीवेंट एक्सपेंसेस और फिर लेस किया है इरेलीवेंट इनकम्स, लेकिन हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पे हमें आंसर आया 4000 रुपया, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, वहां भी 4000 आएगा। डायरेक्ट का माना क्या हो गया, हमने जी क्वेश्चन को शुरू किया है नेट प्रॉफिट से, कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है फर्स्ट मेथड जो नॉर्मली हम करते हैं, मेथड नंबर 1। अब हम आएंगे मेथड नंबर 2 की ओर, उसमें भी हमें 4000 रुपया आंसर आएगा लेकिन वो डायरेक्टली हम करेंगे। डायरेक्टली का माना क्या हो गया, हम नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन को शुरू नहीं करेंगे। चलिए डायरेक्ट मेथड पे, और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, अब जो सही आइटम है उन्हीं को लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले मेथड में हमने नेट प्रॉफिट लिया, इरेलीवेंट को ऐड किया, यहां पे भी इरेलीवेंट को लेस किया। ठीक, डायरेक्ट मेथड कहता है देखो भाई अब आपको वो चीजें देखनी है जो सही है उन्हीं को ले लो, जो गलत है उनको ऐड लेस मत करो। तो यहां से सही क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इनकम में आएगा पहला ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 6000, इसी तरह इनकम, फिर है एक्सपेंसेस, इनकम में गेन्स भी डालेंगे, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस हेड में हम गेन का माना क्या लेते हैं। तो एक्सपेंसेस जेन्युइन कौन से हैं, सैलरी सही आइटम है, ऑडिट फी सही आइटम है, वो सैलरी एंड ऑडिट फी, दिस इज 1000 एंड दिस इज अगेन 1000, तो हो गया 2000 रुपए। यहां से तो ये 6000 ही है, 6 में 2 काटे तो बिजनेस इनकम बन गई अगेन 4000। तो ये तो 4000 रुपया हमें दो तरीके से आया, एक तरीका ये था नेट प्रॉफिट को इरेलीवेंट ऐड करो और इरेलीवेंट लेस करो, दूसरा है सीधे ही ले लो जो सही आइटम है उन्हीं को ले लो। तो इस तरह से हमारा ये जो बिजनेस इनकम है, हमने ये समझा बिजनेस इनकम हम नेट प्रॉफिट को नहीं मानते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये नहीं देखते हैं कि इनकम एक्सपेंसेस कहां से आ गया। नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम्स करते हैं, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन जब हम पढ़ते हैं यानी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम वही खर्चा लेते हैं जो बिजनेस का खर्चा है और हम उसी इनकम को इनकम कंसिडर करते हैं जो बिजनेस की इनकम है। अब आप कहोगे सर ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये भी तो इनकम है, इसको क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट भी तो इनकम है। हाँ ये भी तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को हम अदर सोर्स में लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे, यानी यहाँ पे 3 इनकम्स हैं, हमारी खाली एक ही इनकम है बिजनेस के रिलेट। इन शॉर्ट अब मैं अपने टॉपिक को सम अप करता हूं ताकि आपको समझ आ गया कि आज हमने क्या सीखने की कोशिश की। तो हमने पढ़ा, हमें निकाली थी बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम निकालने के लिए हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 2 बातें थी, या तो निकला होगा नेट प्रॉफिट या तो होगा नेट लॉस, ये डिपेंड करता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे तब तक जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि यही बिजनेस इनकम है। तो क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि डेबिट साइड जो है इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं,
वो सारे एक्सपेंसेस सही हैं लेकिन वो बिजनेस के रिलेट नहीं है। इसी तरह इनकम में बहुत सारी इनकम्स होंगी लेकिन हमें ये ढूंढना है कि बिजनेस की इनकम क्या है। अगर इसमें कोई गड़बड़ है, डेबिट में कोई गड़बड़ है तो उसे ऐड बैक करना है। अगर क्रेडिट में कोई गड़बड़ है उसे लेस बैक करना है। यानी अगर डेबिट में कोई ऐसा खर्चा है जो बिजनेस के रिलेट नहीं है उसको ऐड कर लो, अगर क्रेडिट में कोई गड़बड़ है उसको क्या कर लो, लेस। अब सवाल ये है ऐड और लेस किसको करना है। मैंने कहा हम शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट से, इसी को करेंगे ऐड आइटम्स, वो वाले जो गड़बड़ है वहां से जो निकलेगा उसी को करेंगे लेस आइटम्स जो यहां से गड़बड़ है, फिर जो ग्रैंड फिगर आएगी दैट विल बी आवर बिजनेस इनकम। क्लियर? सो इन शॉर्ट वी हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद अस, दैट इज करेक्ट एज पर अकाउंटिंग, बट वी हैव टू ओवरहॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव टू सी फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डज दैट मीन? देयर आर वेरियस आइटम्स इन द डेबिट साइड, वी हैव टू टेक ओनली दोज आइटम्स व्हिच आर रिलेवेंट टू बिजनेस, रेस्ट व्हिच आर इररिलेवेंट टू द बिजनेस एक्सपेंसेस दैट वी हैव टू ऐड बैक, एंड वी हैव टू सी दोज आइटम्स वेयर इट कैन फिट। In the same way, we have a credit side. We may have various incomes from the credit side. We have to take only that income which is relevant to business. If the income which is not relevant to business is to be taken in its own head where it fits better. In the previous question which we have discussed, I told you there are three incomes. One is gross profit, that is business income there we have. Second is interest from securities. Interest from security is an income, but it is not a business income. It is other source income. House property income, it is again an income, but that is not a business income, that's a house property income. So interest on security is to be dealt with other source, house property income is to be dealt with income from house property. So in short, debit side mein agar koi gadbad hai usko add kar lo, credit side mein agar koi gadbad hai usko less kar lo. Gadbad ka maana kya ho gaya? Jo is relevant, is head ke related nahi hai. उसके लिए सिंपल आपको दिमाग में रखना है, जो प्रोफॉर्मा मैंने दिया है उसको भी याद रखिए, लेकिन सिंपल लॉजिक आप यूज कीजिए कि कौन सा आइटम बिजनेस का खर्चा नहीं है और कौन सा आइटम बिजनेस की इनकम नहीं है। इन दो को आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं को ऐड और लेस करना है। यह है एक मेथड अगर हमने नेट प्रॉफिट और या नेट लॉस से क्वेश्चन को शुरू किया। लेकिन हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, जो इनकम यहाँ सही है उसी को ले लो, जो खर्चा यहाँ है सही उसी को ले लो। यानी हम दूसरा मेथड शॉर्टकट भी कर सकते हैं, we take only relevant incomes minus relevant expenses. This is one method. Another method is we will add back irrelevant expenses, we will less back irrelevant incomes. In both the cases we will have the same answer, right? So this is all about what we are dealing with, the income from business and profession. Isme aage bahut sare questions karne hain, ye to introduction tha samjhane ke liye ki ye question kya hai. To aapke exam mein aapko profit and loss diya hoga, wo sahi hoga as per accounting. हमें उसी को चेंज करना है एज पर टैक्स। दिमाग में ये रखना है कि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आई होप इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, राइट? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।